हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर ऑफ चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से हम किसी एक डोमेन प्रोवाइडर से दूसरे डोमेन प्रोवाइडर में कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं और क्या मेथड्स है। क्योंकि बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि जब भी हम स्टार्टिंग में उनको ज्वाइन करते हैं तो उसके फीस जो रहते हैं, उसके जो प्राइजेस रहते हैं, काफ़ी कम देते हैं। और जो फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम प्राइजिंग को देखें तो उसका ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाता है, जो आपका प्राइस होता है उससे भी ज्यादा 50% बढ़ जाता है। तो इसके वजह से बहुत सारे जो यूजर होते हैं, जो जिनका अर्निंग्स कम हो रहा होता है, वो लोग करते क्या है कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन में स्विच होते हैं, जिससे उनको बेटर बेनिफिट, बेटर ऑफर मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज आपका जो वेबसाइट है उसका एक साल कंप्लीट हो गया नामची में, और दूसरे साल के लिए वो 2000 प्राइस दिखा रहा है कि 2000 रुपया चार्ज करेगा नेक्स्ट वाला जो रिन्यू करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दूसरे डोमेन प्रोवाइडर को सर्च कर लीजिए कौन सा जो जब भी हम उसमें ट्रांसफर करेंगे तो कितना चार्जेस लेगा, वो प्लान कीजिए और उस डोमेन प्रोवाइडर में मूव कर सकते हैं। जैसे GoDaddy.com में, वो भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है डोमेन्स के लिए, तो वहाँ पे आप उस पर चेक कीजिए कि आपके डोमेन के लिए वो कितना प्राइजेस बता रहा है। और उसके बाद नेमचिप से अपने डोमेन को कैसे ट्रांसफर करना है वो मैं अभी इस वीडियो में प्रोसीजर बता देता हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, नामची में आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। साइन इन करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे डोमेन लिस्ट पे। यहाँ डोमेन लिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है आपके। सपोज ये मेरा डोमेन है, इसको मेरे को ट्रांसफर करना है, तो कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज ऑप्शन आ रहा है। मैनेज ऑप्शन में आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे शेयर एंड ट्रांसफर है पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे देखिए डोमेन लॉक करके आ रहा है, डोमेन लॉक में ऑन बता रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसको अनलॉक हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी डोमेन प्रोवाइडर हो यहाँ पे ये डोमेन लॉक का ऑप्शन रहता है, जैसे कि रजिस्टर लॉक ऑफ, ऐसे दो तरह की वर्डिंग यूज करते हैं सारे डोमेन प्रोवाइडर। यहाँ पे डोमेन लॉक को हम यहाँ से अनलॉक करेंगे तभी जाके हम अपने वेबसाइट को दूसरे डोमेन प्रोवाइडर के पास शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद को यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कोड पिक करने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या रीजन है कि आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ पे बोलिए प्राइजिंग ज्यादा है, आपको कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे सीधा सेंड कोड बोलेंगे। ये जैसे हम कोड सेंड कर देंगे तो हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर एक ईमेल आएगा कुछ ही देर में। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिये हमारा ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ पे आ चुका है। इस कोड को किसी को मत शेयर कीजिए, ठीक है गाइस, तो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ कोड। तो दूसरा गाइस, इस इंटरफेस में अगर सपोज ये मोबाइल में आप यूज कर रहे होते तो कैसा होता था वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं मोबाइल से जब भी कर रहा था तो मुझे कुछ इशू फेस करने को मिले, वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा मोबाइल है गाइस, यहाँ पे ना ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे, ये देखिए गाइस, अभी आप यहाँ पे अगर ढूंढ डालेंगे ना तो आपको कहीं पे भी वो मिलेगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा उन्होंने बना के रखा है ड्रैग डाउन मोबाइल के लिए, तो आपको ये जल्दी समझेगा नहीं कि इसके अंदर सारे ऑप्शन है। इन्होंने इतना छोटा रखा है इसको ताकि लोगों को समझे ही नहीं कि हमारा जो डोमेन ट्रांसफर का जो फीचर है इसके अंदर है, ठीक है गाइज। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग एंड ट्रांसफर ऑप्शन आ रहा है। अगर आप डेस्कटॉप से करते तो ईजिली दिख जाता है, और इसमें देखिए ऐसा आता है, ड्रॉप डाउन में आता है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तभी कर सकते हैं। तो ये चीजें है ना ध्यान में रखना है कि मोबाइल के लिए यूज करने के टाइम पे ये ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है गाइस। तो चलो अभी हमारा यहाँ तक तो हमने ऑथेंटिकेशन ले लिया है, अभी हम जाएंगे यहाँ पे GoDaddy पे, GoDaddy को लॉग इन करेंगे हम। गाइज हमारा यहाँ पे GoDaddy लॉग इन हो चुका है, अभी हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे आपको सर्च कर ले GoDaddy ट्रांसफर डोमेन, यहाँ पे आ जाना है डोमेन नेम ट्रांसफर, ठीक है गाइज। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम चिप पे आ जाना है, आपको कौन सा डोमेन ट्रांसफर करना है। यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर होप को ट्रांसफर करना है, यहाँ पे सिंपली इसको सर्च करेंगे आपके जो डोमेन को, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डेटा को फ्रेश करेगा, देखिए यहाँ पे हमने अनलॉक करने के वजह से देखिए यहाँ पे आ रहा है अनलॉक द डोमेन,
यहाँ पे ऑलरेडी टिक आ रहा है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर चुका है। और ये देखिए इसका प्राइसिंग क्या होने वाला है ये भी यहाँ पे बता रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा डोमेन अनलॉक हुआ है। अभी हमको गेट ऑथेंटिकेशन कोड, जो हमने ऑथेंटिकेशन कोड लिया था नेमचीट से, यहाँ पे हमको उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे सीधा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे और पूछ रहा है कोई और प्रोडक्ट चाहिए क्या आपको, फुल डोमेन प्रोटेक्शन, अनलिमिटेड डोमेन प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें चाहिए क्या। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक रहने देना है, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो नो थैंक्स करके आगे बढ़ जाना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा जो डोमेन है यहाँ तक आ चुका है। अगर आपको कितने साल का चाहिए यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर, 2 ईयर, जो भी आपका प्लान है यहाँ पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइज अगर आपके पास कूपन कोड है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सिंपली आपको यहाँ पे करना है। ये पे करने के बाद विद इन 24 आवर्स आपका डोमेन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है गाइज। गाइज जैसे ही मैंने वहां पे रिक्वेस्ट डाला कि मुझे डोमेन ट्रांसफर करना है नामची पे, उसके बाद मुझे एक मेल आता है कि namchi.com रिसीव नोटिफिकेशन इस डेट पे इस टाइम पे, जो कि आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट है अंडर डोमेन रजिस्ट्रार के लिए। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, इफ यू वांट टू प्रोसेस विद दिस ट्रांसफर यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, मतलब ये बता रहा है कि अगर आपको प्रोसेस करना है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। गाइज अगर इस ट्रांसफर को बहुत ही स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बताया कि इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अप्रूव करेंगे आपका जो ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, और आप यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि मुझे ट्रांसफर नहीं करना है। तो दोनों में से आप जो भी अप्रूव करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही ये प्रोसीड कर देगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इफ यू वांट टू कैंसिल ट्रांसफर प्लीज गो टू आवर वेबसाइट, यहाँ पे वापस से वहीं पे लेके आए, यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे तुरंत ही और रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये कब तक ट्रांसफर होगा वो भी यहाँ पे मेंशन होके आता है, जैसे कि इफ वी डू नॉट हियर फ्रॉम यू, मतलब अगर मैंने आपसे कुछ भी मतलब इनपुट नहीं मिला मुझे तो ये 21 तारीख को ऑटोमेटिक ट्रांसफर विल बी प्रोसेस, मतलब ये ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफर प्रोसेस कर देंगे 21 तारीख को। अगर आपके पास टाइम है, आपका जो एक्सपायरी डेट है आपके नामची का, तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपायरी डेट कल या परसों दो ही दिन का है तो आप यहाँ से स्पीड अप में क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। गाइस कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Now and press the bell icon.